संजय जी, आपने अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए, इस वायरस को हम नाम बोलते हैं नोवल कोरोना वायरस। नोवल का मतलब है नया। ये दुनिया में पहली बार दिसंबर में ये वायरस आया। अभी हमें सिर्फ इतना ही मालूम है कि ये वायरस सर्दी में भी होता है, जो 30 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड, जो अभी तक टेम्परेचर चला है 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी ये रहेगा, और आगे बहुत ज्यादा गर्मी में क्या होगा ये हम नहीं जानते अभी, ना दुनिया में कोई जानता है ये वायरस कैसा बिहेव करेगा, क्योंकि ये नया वायरस है। तो हमें चाहे वो कोई सा भी समय हो, हमें ये जो हमने आपसे बताया कि बार बार हाथ धोना, आसपास की जगहों को सफाई रखना, सोशल डिस्टेंसिस करना, ये हमें मेंटेन करना होगा, तभी हम इस चीज को भगा सकते हैं। अभी हम नहीं जानते कि बहुत ज्यादा जब गर्मी पड़ेगी तो ये अपने आप से खत्म होगा या हमें इसको खत्म करना होगा। राम अवध जी, आपने किसके द्वारा हो रहा है? हवा, हवा पार्ट किया था, हवा से, कि ये मतलब इंसान से इंसान में ही ट्रेवल करता है कि हवा से भी? देखिए, जब इंसान से इंसान में भी ट्रांसमिट हो रहा है तो हवा द्वारा ही हो रहा है, लेकिन जिसको हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोल रहे हैं, जी, ड्रॉपलेट भी हवा में ही जाते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो ड्रॉपलेट जिसको बोल रहे हैं ये भी हवा में ही जा रही है, लेकिन ये ड्रॉपलेट 3 फीट से ज्यादा दूर नहीं जा सकती। ये अच्छी बात है इस वायरस की, कम से कम हमारे को एक चीज फायदेमंद है कि हवा में जाएगा तो बहुत दूर तक जा सकता है, लेकिन जब ड्रॉपलेट है वो भी एक हवा में जा रहा है, लेकिन ये 3 फीट से ज्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि ड्रॉपलेट थोड़ी हैवी होती हैं इनके अंदर। हाँ, रामावत जी, जो खांसते और छींकते समय हमारे छोटे छोटे कण होते हैं ना, वो जो है उनको डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो जो है वो बहुत दूर तक तो नहीं जाते, इसीलिए जो कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस बना के रखें, आदमी से आदमी की दूरी जो है वो कम से कम 1 मीटर हो, डॉक्टर साहब, है ना? हाँ जी, वो 3 फीट से ज्यादा दूरी तक नहीं जाएंगे, इसलिए ये हवा में है लेकिन ये 3 फीट से ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, इसलिए 3 या 4 फुट की दूरी से आप यदि किसी से बात कर रहे हैं, किसी से अपनी परामर्श कर रहे हैं, तो कोई डरने वाली बात नहीं। वो कण हमारे बीच में है, क्या होता है ये कण आसपास की हमारी जगह पे भी बैठ सकते हैं। सपोज मुझे, मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था, मुझे खांसी हुई और मेरे टेबल मेरे सामने था, मैं जब खांसा और मैंने टिश्यू पेपर नहीं रखा तो वो मेरे कण जो है 3 फीट के आसपास जाएंगे, तो सामने टेबल पड़ा हुआ उस टेबल पे जाके बैठ जाएंगे। लेकिन ये टेबल पर डिपेंडिंग अपॉन कि टेम्परेचर कितना तापमान था, वहां पे कितनी ह्यूमिडिटी थी, कुछ घंटों से लेके 3 दिन तक वहां जिंदा रह सकते हैं। और यदि वहां पे कोई दूसरा इंसान आता है और उन टेबल पे अपने हाथ रखता है तो उस हाथों के द्वारा, और वो अपने मुंह में डालता है या अपनी नाक में डालता है या आंखों में डालता है अपने हाथ कुछ भी काम करने के लिए, तो उसके द्वारा ये उसके अंदर जा सकते हैं और उसको इन्फेक्शन कर सकते हैं। यानी तो इसलिए ये एक तो ड्रॉपलेट से इन्फेक्शन होता है, यानी कि जो हम खांसते हैं उससे, और दूसरा हमारे हाथों के द्वारा जो आसपास उसके गंदगी हो जाती है उसमें वायरस बैठा होता है वो हमारे अंदर जाता है। हाँ, मैं अब आपको यदि विजुअल होता तो मैं दिखाता कि 20 कम से कम 20 सेकेंड का करिए, लेकिन आपके हाथ जो 20 सेकेंड जो हमारे लगते हैं, ये नहीं कि सिर्फ हाथ को मलते रहिए, आपके पूरे जगह पर आगे पीछे हाथ साफ, आगे से साफ करें, पीछे से साफ करें, उंगलियों के बीच में से साफ करें, नाखूनों को साफ करें, कलाई अपना अंगूठा साफ करें, कलाई के पास साफ करें, तो ये सब मिलाकर ये 20 सेकंड लगते हैं। लेकिन सिर्फ ये नहीं कि मैंने 20 सेकंड की लगा लिया और हाथों में सिर्फ एक बार ही साबुन बना और तो सोचो कि अपने आप से हो जाएगा, नहीं, ये 20 सेकंड आपको अपने पूरे हाथ ऊपर साबुन को लगाने में बिताने हैं और फिर पानी से हाथ धोना है, उसके बाद अपने हाथों को स्वच्छ कपड़े से या टिश्यू पेपर से उसको पोंछना भी है। कोई भी चीज जो गीली रह जाती है वो फिर से कारण बन जाती है कीटाणुओं पनपने का।